अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो विरार पश्चिम के जकात नाका के यहाँ साप्ताहिक बाज़ार मंगलवार का नज़ारा है। आज पूरा देश कोरोना संक्रमण दौर से गुजर रहा है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के तमाम मुख्यमंत्री से चर्चा करके किस प्रकार कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए, पर आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न मास्क पहन के व्यापारी और खरीदार अपना काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन भी नदारद है। नगर पालिका प्रशासन मात्र सिर्फ अपना किराया वसूल करने और पावती वसूल करने का काम करती है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नगर पालिका या पुलिस प्रशासन का नज़र नहीं आ रहा है, जबकि कोरोना संक्रमण काल से पूरा देश परेशान है। आप देख रहे हैं नज़ारा, पूरी चारों तरफ भीड़ी भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जबकि तीसरी लहर कोरोना की पूरे भारत में फैली हुई है। कई प्रदेशों ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है, साथ ही साथ वापस एक तरफ लॉकडाउन की तरफ देश जा रहा है, पर न किसी नागरिक को चिंता है, न किसी व्यापारी को चिंता है। सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमाना, अपनी बिक्री करना ही उनका काम रह गया है। देश की चिंता किसी को नहीं है। और इस बार जो कोरोना की लहर आएगी वो काफ़ी भयानक होगी, या इसका अंदेशा सभी न्यूज चैनल में सभी डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी चिकित्साकर्मी इस दौर से गुजर रहे हैं। पर आप नज़ारा देख रहे हैं, मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूँगा कि चारों तरफ का नज़ारा बताया जाए कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पालन नहीं हो रहा है, न सैनिटाइज है, न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कहाँ गए नगर पालिका कर्मचारी, मात्र सिर्फ सिर्फ किराया वसूल करना ही इनका काम रह गया है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि कोरोना से लड़ने के लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तो ही हम कोरोना से बच पाएंगे। दिलीप कांवरिया, वसे विरा समाचार।